बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। मैं रोज़ाना डेट जो है वो अपने जो राइटअप वीडियोस का अपलोड करता हूँ उसमें हमेशा डेट को उसको भी अपडेट करता हूँ। तो आज जब मेरे सामने तारीखें देख रहा हूँ, आज थर्सडे है और 17 सितंबर 2020, 17 सितंबर 2020 और जुमेरात का दिन, और 28 मुहर्रमुल हराम है 1442 हिजरी, और देसी महीने भी मैं देख रहा था भादों के बाद फौरन ही असूज, जिसको आम पंजाबी में कहते हैं असें, तो आज असूज की 3 तारीख हो गई है 2077 विक्रमी। जिंदगी बड़ी तेजी से गुजर रही है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। जो जो इंसान की उम्र बढ़ रही है और वो समझता है मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन उसकी लाइफ या जिंदगी वो कम हो रही है। और छोड़ किसी को नहीं कि उसने अगले लम्हे जिंदा भी रहना है या नहीं, लेकिन हम लोग अपने प्यारे और जो बहुत ही करीबी हैं उनकी जिंदगी और सेहत के लिए बहुत दुआएं करते हैं। मैं आजकल मुझसे बड़े भाई कर्नल मोहम्मद शफीक चौधरी आजकल अमेरिका में हैं और उनका इलाज हो रहा है। उमर शफीक उनके बेटे हैं, डॉक्टर उमर शफीक, सारे बच्चे ही उनके डॉक्टर, जितने भी करीबन बेटियों के यानी खामन उनके दामाद भी सारे के सारे डॉक्टर, और बेटा भी डॉक्टर और सारे, और उनकी बहू भी डॉक्टर, तो ऑलमोस्ट सारा घराना ही डॉक्टरों का है। और सारे हर जगह हर बंदा उसको तशवीश है उनकी सेहत की, और मैं तो चूंकि एक ब्लड होने के नाते और फिर मेरे इमीडिएटली बड़े हैं और एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा एसोसिएशन कि जो भाइयों की होती है, लेकिन ये दोस्तों से ज़्यादा दोस्ती, बचपन से इकट्ठे खेलते आए। तो कर्नल शफीक साहब चूँकि आजकल बहुत अलील हैं, उनके लिए मैं सारे जितने व्यूअर्स हैं और जितने मेरे चाहने वाले हैं, और फेसबुक पे तो हम बहुत थोड़े होंगे, ज़्यादा तो नहीं है, थाउजेंड्स में होंगे, उन सब से अपील करता हूँ, और जो लाखों में हैं मेरे यूट्यूब के, उन सब से अपील करता हूँ कि उनकी जिंदगी और सेहत के लिए दुआ कीजिए। आज मैं कौले हिकमत, आज तुलुए आफ्ताब से पहले ही आपके लिए रिकॉर्ड करने लगा हूं। आज जिंदगी के बारे में सिर्फ एक कौल नहीं,
چند دقیقہ قوالے حکمت پیش کروں گا. پہلا یہ ہے کہ اکثر لوگ زندگی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے زندگی کی زبان سیکھی ہے. دوسرا یہ, جس آدمی کے پاس کتاب ہے وہ اکیلا نہیں ہے. اور جب میں کتاب پہ غور کر رہا تھا تو قرآن کریم کو میں پڑھ رہا تھا, جو اللہ کی کتاب ہے اس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں. اور اس کتاب یہ ایک ایسا ساتھی ہے, کتاب ساتھی ہے آپ کا, جیون ساتھی چلا بھی جائے لیکن کتاب اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں. ویسے بھی آپ اکیلے نہیں ہیں, اللہ رب العزت ہر وقت جو ذات آپ کے ساتھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اور اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی کتاب ہے ہی نہیں. یہ میرا نہیں, سارے مسلمانوں کا ایمان ہے. اس کے بعد ایک بات اور کرنے لگا ہوں کہ زندگی ایک طویل اکتا دینے والی کہانی ہے, اس کو وہی شخص کامیابی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے جس کی توجہ ہمیشہ کہانی کے اگلے چیپٹر یا اگلے پیراگراف پر لگی رہے. تو انہی اقوال حکمت کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں, اور جس دعا کی میں نے اپیل کی ہے وہ پلیز کیجیے گا. اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی بیمار ہیں اس دنیا میں اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ اجر عطا فرمائے, اور لمبی اور سکون کی اور ایمان کی زندگی وہ عطا فرمائے. پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی, اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333-5121-879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.